लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार जोरों पर है। दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों कल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। इन रैलियों में कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जिससे नेता असहज हो जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा झारखंड के सिमडेगा में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक चुनावी जनसभा में देखने को मिला। यह चुनावी जनसभा में जब मंच से चौकीदार चोर है के नारे लग रहे थे, उसी समय अग्रिम पंक्ति पर बैठे कुछ स्थानीय आदिवासी महिलाओं मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के पक्ष में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी के भाषण समाप्त होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से चौकीदार चोर है के नारे लगवाने शुरू कर दिए, तो मंच के सामने पत्रकार दीघा के ठीक पीछे बैठी आधा दर्जन आदिवासी महिलाएं मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। महिलाओं की मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते देख आयोजक थोड़ी देर के लिए सन्न हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले महिलाओं से पत्रकार ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी के साथ है क्योंकि उन्होंने हमें शौचालय, गैस कनेक्शन, मकान और बिजली दी।